हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आई नो आप सभी को पता लग चुका होगा कि आइस स्क्रीम गेम का पार्ट 7 लॉन्च हो चुका है एंड आप में से काफी सारे लोगों ने इस गेम को खेलकर कंप्लीट भी कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को आइस स्क्रीम 5 एंड 6 की थ्योरी वाली वीडियो में बताया था आइस स्क्रीम 7 के बारे में कि इस गेम के 7 पार्ट में हमको चार्ली की बहन लिस को बचाना पड़ेगा जो उन पाइप्स के थ्रू फैक्ट्री के ही किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाकर गिर चुकी है एंड वहां पर जाकर फंस चुकी है। तो ऑब्वियसली हमको इस गेम के पार्ट 7 में चार्ली की सिस्टर लिस को बचाना होता है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको याद होगा, कि हो सकता है आइस स्क्रीम 7 में हम इन चारों ही कैरेक्टर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकें, उनके थ्रू गेम को खेल सकें, जैसे कि माइक, जे, चार्ली और उसकी सिस्टर लिस। तो आइस स्क्रीम 7 के पार्ट में कुछ होता भी ऐसा ही है, हम माइक, चार्ली, लिस के थ्रू गेम को खेलते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो हमारी जो कुछ प्रिडिक्शन थी आइस स्क्रीम 7 को लेकर वो पूरी तरह से ट्रू हो चुकी है। अब अगर हम आइस स्क्रीम 7 के गेम प्ले की बात करें तो गेम में ऐसा कोई भी कटसीन या फिर कोई भी ऐसा मिस्टीरियस फोटो या वीडियो नहीं होती जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। लेकिन जैसे ही आप गेम को फिनिश करते हो तो गेम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक छोटा सा कटसीन दिखाया जाता है। बेसिकली उस कटसीन में आपको इविल नन दिखाई जाती है जो रोड की फैक्ट्री के बाहर आकर खड़ी हो जाती है उसकी एंट्रेंस पर, एंड उसके बाद आपको एक छोटा सा टाइटल दिखाया जाता है। टाइटल में लिखा होता है कि सिस्टर मेडलिन फाइनली। सिस्टर मेडलिन बेसिकली इविल नन का ही नाम है। तो उसमें लिखा होता है कि सिस्टर मेडलिन या फिर इविल नन फाइनली अपने बेटे रोड की फैक्ट्री में आ चुकी है, वहां पर अराइव हो चुकी है। इविल नन को रोड की माँ बताया जाता है उस टाइटल में, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर इविल नन रोड की माँ है तो वो रोड को अपने साथ क्यों नहीं रखती थी, या फिर रोड अपनी माँ इविल नन के पास क्यों नहीं रहता था? चलो रहने की बात छोड़ो, अगर इविल नन रोड की सच्ची में माँ थी तो कभी भी रोड अपनी माँ इविल नन से मिलने क्यों नहीं गया था? आपने आइस स्क्रीम गेम के सारे ही पार्ट्स खेले होंगे, आपको कभी भी यह नहीं दिखाया गया होगा कि रोड अपनी माँ इविल नन से मिलने जा रहा है, ना ही उनको साथ दिखाया गया होगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा रोड की फैक्ट्री में एक म्यूजियम है जहां पर रोड ने अपने डैड के काफी सारे फोटो रखे हुए हैं जिनका नाम जोसेफ सलेवन था। सो अगर इविल नन रोड की माँ थी तो रोड ने अपने डैड के फोटो के साथ साथ अपनी माँ इविल नन के फोटो वहां पर क्यों नहीं रखे? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने वहां पर कोई भी इविल नन का फोटो नहीं देखा होगा। इन सारी ही चीजों को देखते हुए क्वेश्चन ये आता है कि इविल नन रोड की माँ कैसे हो सकती है? बट उस टाइटल में बताया गया है कि इविल नन रोड की माँ है। इविल नन रोड की माँ कैसे है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको इस गेम में एक लेटर भी मिलता है जहां पर आपको 4th जनवरी 1941 के एक मिरिकली इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि सिस्टर मेडलिन जो एक नन है जो चर्च में रहती है, वो अचानक से मिडनाइट में प्रेग्नेंट हो जाती है एंड प्रेग्नेंट हो जाने के कुछ ही घंटों के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उस बच्चे को मेरेकुलस बताया गया है जो गॉड गिफ्ट है और वो हेवन से आया है। साथ ही साथ उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि उस मेरेकुलस बच्चे को उन नंस के साथ ही रहना पड़ेगा जो उस चर्च में है सिस्टर मेडलिन के साथ, और पूरे 40 साल तक सिस्टर मेडलिन के साथ साथ उसकी चर्च की सारी ही नंस को उस मेरेकुलस बच्चे की देखभाल करनी है। तो ये एक अजीब इंसिडेंट होता है सिस्टर मेडलिन के साथ जिसके बारे में आपको उस लेटर में बताया गया है। तो अभी मैं आपको उसी ही इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि सिस्टर मेडलिन अचानक से मिडनाइट में प्रेग्नेंट क्यों हो गई थी, ऐसा क्या हुआ था, और उसके कुछ घंटों के बाद ही सिस्टर मेडलिन के जो बच्चा हुआ था जिसको एक चमत्कार माना जा रहा था, जो हेवन से आया था, जिसको एक मिरेकुलस बच्चा माना जा रहा था, तो वो बच्चा कौन था? देखो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो अभी मैं आपको ये वाली ही वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो ठीक है, चलो आज की वीडियो को कर लेते हैं या फिर आज की स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट। टाइम फॉर लेट्स गो। हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरे आइस स्क्रीम गेम के दूसरे पार्ट्स की स्टोरी देख रखी होंगी जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, कि जो रोड था उसके पैदा हो जाने के 3 महीने के बाद ही जो रोड की माँ होती है उनकी किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है। अब देखो, रोड की फैमिली में सिर्फ रोड था, उसकी माँ थी एंड उसके डैड थे जिनका नाम था जोसेफ सलेवन। लेकिन रोड की माँ की डेथ हो जाने के बाद रोड की फैमिली में सिर्फ रोड एंड उसके डैड जोसेफ सलेवन
वैन ही बचते हैं, जोसेफ साले वैन। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आइसक्रीम मेकर थे उस टाइम पर, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनाते थे, जिसकी वजह से उनका आइसक्रीम का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब देखो रोड क्योंकि 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा था, जिसकी वजह से उसको अच्छी खासी देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन वही चीज़ रोड के डैड यानी जोसेफ साले वैन नहीं कर पा रहे थे। वो अपने बेटे रोड की देखभाल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ उनका जो आइसक्रीम का बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और वो अपने बिजनेस में ही ज़्यादातर टाइम को स्पेंड करते थे, उसमें बिजी रहते थे, जिसकी वजह से जोसेफ साले वैन अपने बेटे रोड को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो उसकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। दैट्स रीजन रोड के डैड जोसेफ साले वैन एक फैसला लेते हैं कि वो रोड को कुछ टाइम के लिए अपनी एक बेस्ट फ्रेंड जो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिनका नाम था सिस्टर मेडलिन, तो वो रोड को उनके पास छोड़ देंगे। एंड जब रोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वो थोड़ा समझदार हो जाएगा, अपने काम खुद करने लगेगा, देन वापस से वो रोड को अपने पास ले आएंगे। एंड रोड को भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी, और वो भी टाइम टाइम पर रोड से मिलने के लिए जाते रहा करेंगे। तो ये एक प्लानिंग होती है जोसेफ सुलिवन की। तो अब बात कर लेते हैं जोसेफ सुलिवन की बेस्ट फ्रेंड सिस्टर मेडलिन के बारे में। सिस्टर मेडलिन ये एक नन थी जो एक चर्च में रहती थी या फिर एक वर्चुअस स्कूल में रहती थी। सिस्टर मेडलिन की भी एक 6 साल की लड़की थी जिसका नाम था एलिशा, बट कुछ साल पहले एलिशा की डेथ हो चुकी थी किसी बिल्डिंग की छत पर से गिरने की वजह से। सिस्टर मेडलिन की बेटी का रेफरेंस आप इविल नन 2 गेम में देख सकते हो, जहां पर आपको सिस्टर मेडलिन की बेटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एलिशा होता है। साथ ही साथ आपको इविल नन 2 गेम में काफी सारे ऐसे भी फोटोज दिखाए जाते हैं जहां पर सिस्टर मेडलिन अपनी बेटी एलिशा के साथ होती है एंड वो उसके साथ काफी सारा टाइम स्पेंड कर रही होती है। लेकिन एलिशा की डेथ के बाद जो सिस्टर मेडलिन का हस्बैंड होता है वो सिस्टर मेडलिन को ही एलिशा की डेथ का जिम्मेदार मानता है। वो मानता है कि सिस्टर मेडलिन ने ही एलिशा का ठीक से ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग की छत पे से गिर गई। उसके बाद सिस्टर मेडलिन का हस्बैंड उनको डिवोर्स दे देता है, और अब सिस्टर मेडलिन एक नन है जो एक बहुत बड़े चर्च में रहती है। देखो कहने को सिस्टर मेडलिन एक नन है जो चर्च में रहती है, बट उनका एक डार्क सीक्रेट भी है। बेसिकली सिस्टर मेडलिन चुपके चुपके से कुछ डार्क मैजिक के रिचुअल्स को परफॉर्म करती थी चर्च में ही, जिसके थ्रू वो अपनी बेटी एलिशा की आत्मा को बुला सके एंड उससे बातें कर सके। क्योंकि अपनी बेटी एलिशा की डेथ के बाद सिस्टर मेडलिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करती थी बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं सिस्टर मेडलिन खुद भी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती थी। वो मानती थी कि अगर वो उसका ठीक से ध्यान रख पाती तो शायद उनकी बेटी एलिशा बिल्डिंग की छत पे से नहीं गिरती एंड वो उनके साथ यहाँ पर होती, जिसकी वजह से सिस्टर मेडलिन अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद करती है। वो कैसे भी करके उसकी सोल से बात करना चाहती है, दैट्स व्हाई वो कुछ ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स के थ्रू अपनी बेटी की सोल को बुलाने की कोशिश करती है एंड वो इसलिए कुछ ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स को परफॉर्म करती है जिससे एटलीस्ट एक बार वो अपनी बेटी की सोल से बात कर सके। तो अब इधर क्या होता है, रोड के डैड जोसेफ साले वैन रोड को लेकर उस चर्च में आते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड सिस्टर मेडलिन के पास एंड वो सिस्टर मेडलिन को पूरा इंसिडेंट बताते हैं कि कैसे उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और ये उनका 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम रोड है, जिसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है, बट वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं। तो रोड के डैड जोसेफ साले वैन सिस्टर मेडलिन से बोलते हैं कि वो उनके बेटे को कुछ टाइम के लिए रख ले एंड जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उसको वापस से ले जाएंगे। देखो जो सिस्टर मेडलिन थी वो अपनी बेटी की डेथ के बाद काफी ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी, उनको भी उस टाइम पर एक बच्चे की जरूरत थी जो उनकी बेटी की कमी को पूरा कर सके। जोसेफ साले वैन एक अच्छे दोस्त भी थे सिस्टर मेडलिन के, दैट्स व्हाई जो सिस्टर मेडलिन होती है वो जोसेफ साले वैन को हाँ कर देती है उनके बेटे रोड को अपने पास रखने के लिए, उसको पालने के लिए। और फाइनली जोसेफ साले वैन अपने बेटे रोड को चर्च में छोड़ जाते हैं सिस्टर मेडलिन के पास। देन सिस्टर मेडलिन रोड को पालती है एंड धीरे धीरे करके उनका अटैचमेंट रोड से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जोसेफ साले वैन भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद चर्च में आते रहते थे सिस्टर मेडलिन के पास अपने बेटे रोड से मिलने के लिए। इस चीज का रेफरेंस आप इविल नन 2 गेम में देख सकते हो। इविल नन 2 गेम में आपको एक कटसीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा होता है जिसने रोड जैसा मास्क पहना हुआ होता है एंड वो अपनी आइसक्रीम की बाइक लेकर चर्च में आता है, और वो अपनी बाइक से आइसक्रीम निकालकर एक नन को देता है चर्च की। तो बेसिकली वो जो बंदा होता है वो रोड के डैड जोसेफ साले वैन होते हैं जो उस टाइम पर अपने बेटे रोड को आइसक्रीम देने के लिए आए होते हैं उस चर्च में। तो ये जोसेफ साले वैन का रेफरेंस आप देख सकते हो इविल नन 2 गेम में। ओके तो अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। तो सिस्टर मेडलिन रोड को अपने पास रखती है और उसको पालती है, और ऐसे ही पूरे 7 साल निकल जाते हैं। सिस्टर मेडलिन पूरे 7 साल तक रोड को अपने पास रखती है, उसको पालती है। जैसे ही रोड 7 साल का होता है तो जोसेफ साले वैन सिस्टर मेडलिन के पास से अपने बेटे रोड
रोड को अपने घर वापस ले आते हैं, क्योंकि रोड अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने मैक्सिमम काम खुद से ही कर सकता है। रोड के जाने के बाद सिस्टर मेडलिन बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो रोड को अपने बेटे जैसा ही समझने लगी थी। वो उसको तब से पाल रही थी जब रोड 3 महीने का ही था, और पूरे 7 साल तक उन्होंने रोड को पाला, उसको अपने पास रखा, जिसकी वजह से उनकी और रोड के बीच में जो अटैचमेंट थी वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, वो माँ और बेटे वाली हो चुकी थी। रोड भी सिस्टर मेडलिन को ही अपनी असली माँ समझता था, क्योंकि कभी भी उसको उसकी रियल माँ के बारे में नहीं बताया गया कि वो मर चुकी है। रोड के जाने के बाद दोबारा से सिस्टर मेडलिन को अकेला फील होने लगता है, उनको दोबारा से अपनी बेटी एलिशा की याद आने लगती है, एंड अगेन वो वही सारे काम स्टार्ट कर देती है, मतलब वही ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स, वही डार्क मैजिक के रिचुअल्स, जिनके थ्रू वो अपनी बेटी एलिशा की सोल से बात कर सके। तो अब इधर क्या होता है, जैसे ही रोड अपने डैड जोसेफ सलिवन के साथ अपने घर वापस जाता है, ठीक उसके 1.5 साल के बाद ही जो उसके डैड जोसेफ सलिवन होते हैं उनका मर्डर हो जाता है, या फिर वो मर जाते हैं। जोसेफ सलिवन का मर्डर क्यों होता है, अगर आप इस चीज के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो मैंने आइसक्रीम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे ही पार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी स्टोरी डाल रखी है, तो आप पहले वो जाकर देख सकते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो अब रोड के डैड जोसेफ सलिवन का मर्डर हो जाता है, एंड रोड पूरी तरह से अकेला हो जाता है। जैसे ही ये बात चर्च में सिस्टर मेडलिन को पता लगती है कि रोड के डैड जोसेफ सलिवन का मर्डर हो चुका है, देन इसके बाद सिस्टर मेडलिन रोड को एक लेटर लिखती है। वो लेटर में लिखती है कि रोड दोबारा से उनके पास ही, यानी सिस्टर मेडलिन के पास ही रहने के लिए आ जाए। सिस्टर मेडलिन एक नन थी इसलिए उनको चर्च में ही रहना था, जिसकी वजह से वो रोड के पास उसके घर नहीं रहने के लिए जा सकती थी, इसलिए वो रोड को लेटर लिखती है कि वही उनके पास चर्च में वापस से आ जाए रहने के लिए। लेकिन रोड को अपने डैड जोसेफ सलिवन का बदला लेना था, जिन लोगों ने उसके डैड का मर्डर किया था उन लोगों से। दैट्स व्हाई जो रोड होता है वो अपनी मॉम सिस्टर मेडलिन के पास उस चर्च में नहीं जाता उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहने के लिए चला जाता उस चर्च में तो ऑब्वियसली वो अपने डैड जोसेफ सलिवन का बदला नहीं ले पाता। बट इधर जो सिस्टर मेडलिन होती है वो रोड को अपने बेटे जैसा ही समझती है, या फिर वो अपना खुद का बेटा ही समझती है। दैट्स व्हाई सिस्टर मेडलिन को रोड की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो रोड को काफी सारे लेटर्स भी भेजती है, लेकिन रोड कभी भी उनके लेटर्स का जवाब नहीं देता था। देन इसके बाद सिस्टर मेडलिन रोड के हर बर्थडे पर उसको एक लेटर भेजती थी, जिसमें वो उसको बुलाने की बात करती थी। वो उन बर्थडे लेटर्स में रोड को लिखती थी कि कांग्रेचुलेशंस रोड, आज तुम्हारा बर्थडे है, आई विश कि मैं तुम्हारे पास आ पाती, तुम्हारे पास रह पाती, लेकिन मैं चाहते हुए भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर गॉड को मेरी ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब तुम चाहो तब मेरे पास रहने के लिए आ सकते हो। और ऐसे ही रोड के बहुत सारे बर्थडे पर सालों तक सिस्टर मेडलिन रोड को लेटर्स भेजती थी, जिसमें वो सिर्फ रोड से मिलने की बात करती थी, उसको अपने पास बुलाने की बात करती थी, लेकिन रोड कभी भी सिस्टर मेडलिन के पास उनसे मिलने के लिए नहीं जाता था, बिकॉज ऑफ वो अपनी माँ सिस्टर मेडलिन से नाराज था, क्योंकि उसके डैड की डेथ के बाद वो कभी भी उसके पास एक भी बार नहीं आई थी मिलने के लिए, जिसकी वजह से रोड अपनी माँ सिस्टर मेडलिन से बहुत ज्यादा नाराज था एंड वो उनसे मिलने के लिए नहीं जाता था। रोड की माँ सिस्टर मेडलिन रोड को अपने पास बुलाने के लिए उसके हर बर्थडे पर उसको एक लेटर भेजती थी। इस चीज का रेफरेंस आप आइसक्रीम के 3 पार्ट में देख सकते हो। आइसक्रीम 3 में आपको एक कटसीन दिखाया गया था जहां पर रोड की माँ सिस्टर मेडलिन उसको बहुत सारे लेटर भेजती थी उसके हर बर्थडे पर। रोड उन सारे ही लेटर्स को लेता था, पढ़ता था, और उन लेटर्स में वही सारी बातें लिखी भी होती थी जो मैंने आपको बताई कि वो रोड से बोलती थी कि रोड तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती मिलने के लिए, जब तुम चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो और तुम मुझसे मिल लो, एक बार मेरे पास आ जाओ, ये सारी बातें उन लेटर्स में लिखी भी होती है। बट कभी भी रोड उन सारे ही लेटर्स का आंसर नहीं देता, और ना ही वो कभी अपनी माँ सिस्टर मेडलिन से मिलने के लिए जाता है। तो इस चीज का रेफरेंस आप आइसक्रीम 3 में देख सकते हो। यहाँ पर चर्च में सिस्टर मेडलिन रोड का बहुत ज्यादा इंतजार करती है कि वो कभी उनके लेटर्स का आंसर देगा या फिर उनके पास उनसे मिलने के लिए आएगा। साथ ही साथ वो बहुत सारे डार्क मैजिक के रिचुअल भी करती है, ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स करती है अपनी बेटी एलिशा से बात करने के लिए, उसकी सोल को बुलाने के लिए। तो ये बात है 1941 की। सिस्टर मेडलिन एक रात मिडनाइट में चर्च में ही चुपके चुपके से तरह तरह के ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही होती है अपनी बेटी एलिजा की सोल को बुलाने के लिए, उससे बात करने के लिए। इतने में ही क्या होता है, जैसे ही वो ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स को परफॉर्म करती है उतने में ही डेविल उनके सामने आ जाता है, क्योंकि सिस्टर मेडलिन काफी टाइम से ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स कर रही थी बट वो कभी भी अपनी बेटी से बात नहीं कर पाई थी, उसकी सोल को नहीं बुला पाई थी। एंड जब डेविल देखता है कि सिस्टर मेडलिन उसको बहुत ज्यादा प्रे करती है, उसके रिचुअल्स करती है, इसलिए वो खुद से उनके पास आता है। देन डेविल
सिस्टर मेडलिन से बोलता है कि तुम मेरी इतने टाइम से प्रेयर कर रही हो, उस चीज के लिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात तुम्हारी बेटी एलिजा से नहीं करा सकता। बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक डेविल सन दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अपना एक बच्चा दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के 40 साल मुझे देने पड़ेंगे। मतलब मैं जो तुम्हें अपना डेविल सन दूंगा, जो मैं बच्चा दूंगा, तो तुम्हें उस बच्चे को पूरे 40 साल तक बहुत प्यार से बहुत अच्छे से पालना है, उसकी परवरिश करनी है, उसका ख्याल रखना है, और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और अगर तुमसे कोई भी गलती होती है या फिर उस बच्चे को कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अगली बना दूंगा, तुम देखने में बहुत डरावनी लगने लगोगी, मैं तुम्हें एक घोस्ट के रूप में बदल दूंगा। ये चीज डेविल बोलता है सिस्टर मेडलिन से, एंड जो सिस्टर मेडलिन होती है डेविल की इस बात को मान लेती है, वो उसका डेविल सन लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उसको कोई भी बच्चा चाहिए था जो उसकी बेटी एलिजा की कमी को पूरा कर सके। फिर इसके बाद डेविल सिस्टर मेडलिन को अपना एक बच्चा दे देता है या फिर एक डेविल सन दे देता है, एंड जो सिस्टर मेडलिन होती है वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है एंड वो तभी बेहोश जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, सिस्टर मेडलिन के चर्च की जो दूसरी नंस होती है, जब वो सिस्टर मेडलिन को अचानक से प्रेग्नेंट देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है सिस्टर मेडलिन को देखकर। सिस्टर मेडलिन ऑफ कोर्स उन सारी ही नंस को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती थी कि वो ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही थी, और अचानक से डेविल ने उनको आकर अपना डेविल सन दे दिया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। क्योंकि अगर वो ऐसा उन सारी ही नंस को बताती तो हो सकता था कि उस चर्च की नन सिस्टर मेडलिन के बच्चे या फिर उस डेविल सन को मार देती, या फिर यह भी हो सकता था कि वो उस डेविल सन के साथ साथ सिस्टर मेडलिन को भी मार देती। दैट्स व्हाई सिस्टर मेडलिन उन सारे ही नंस को अपनी सच्चाई नहीं बताती। देन इसके बाद सिस्टर मेडलिन उन सारे ही नंस से एक झूठ बोलती हैं। वो उनसे बोलती हैं कि आज रात मुझे एक सपना आया था, और सपने में मुझे गॉड ने हेवन से एक बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद गॉड ने मेरे से बोला कि मुझे इस बच्चे का अगले 40 साल तक बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, एंड तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चर्च की जितनी भी नंस हैं उनको भी इस बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये चीज गॉड ने मेरे से बोली, एंड उसके बाद मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मैं प्रेग्नेंट थी। ये एक झूठ बोलती है सिस्टर मेडलिन उन सारी ही नंस से अपने सच को छुपाने के लिए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो सारी नंस सिस्टर मेडलिन के पेट में जो बच्चा होता है उसको एक गॉड गिफ्ट मानने लगती है। वो मानती है कि गॉड ने ही उनको ये ब्लेसिंग्स दी है, ये गिफ्ट दिया है हेवन से, एंड वो उसको एक गॉड सन मानने लगती है। फिर इसके कुछ ही घंटों के बाद सिस्टर मेडलिन के वही डेविल सन हो जाता है। उसके बाद वो जितनी भी नंस होती हैं वो उस बच्चे को मिरिकल मिरिकल बोलने लगती हैं। सारे ही नंस को ये लगता है कि ये बच्चा एक मिरिकल है, एक मिरिक्युलस बच्चा है जिसको गॉड ने हेवन से दिया है एज ए ब्लेसिंग या फिर एज ए गिफ्ट। अब आप इस चीज का रेफरेंस आइसक्रीम 3 गेम में देख सकते हो। आइसक्रीम 3 में आपको एक कटसीन दिखाया जाता है जहां पर सिस्टर मेडलिन के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी बच्चा होता है। सिस्टर मेडलिन के चारों तरफ काफी सारी नंस खड़ी भी होती हैं जो उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रही होती हैं, एंड वो उस बच्चे को मिरेकल मिरेकल बोल रही होती हैं। तो बेसिकली इस कटसीन में वही इंसिडेंट दिखाया जाता है जब सिस्टर मेडलिन अचानक से प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देती हैं, एंड वो सारे ही नंस उस बच्चे को गॉड गिफ्ट समझ रही होती हैं। ये अजीब सा इंसिडेंट 1941 और 1942 के बीच का होता है। ठीक यही इंसिडेंट के बारे में आपको जो आइसक्रीम 7 में एक लेटर मिलता है 4 जनवरी 1941 का, जिसका नाम होता है अ मिरेकल फ्रॉम हेवन। तो उस लेटर में वही इंसिडेंट लिखा हुआ होता है कि सिस्टर मेडलिन अचानक से एक रात को प्रेग्नेंट हो गई, एंड उसके कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने एक हेल्थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा चर्च की नंस के साथ रहेगा, एंड नंस को उसकी देखभाल करनी है वो भी अगले 40 साल तक, एंड साथ ही साथ उस बच्चे को हेवन से गॉड गिफ्ट माना गया है। ये चीज उस लेटर में लिखी भी होती है जो आपको आइसक्रीम 7 में मिलता है। तो आई होप सो अब आपको उस लेटर का भी सीक्रेट पता लग चुका होगा। ओके, तो अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। सिस्टर मेडलिन के डेविल सन हो जाने के बाद जो सिस्टर मेडलिन होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है, उनको एक छोटा बच्चा मिल जाता है। हालांकि वो एक डेविल सन होता है, लेकिन ये जानते हुए भी सिस्टर मेडलिन उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, उसको पालती हैं, वो उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही प्यार करती हैं, एंड उसके साथ काफी ज्यादा खुश भी होती हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है, उस चर्च की जो हेड नन होती हैं और जितनी भी नंस होती हैं उनको पता लग जाता है सिस्टर मेडलिन की सच्चाई के बारे में। बेसिकली सिस्टर मेडलिन का जो बच्चा था उसके बारे में उन सारी ही नंस को पता
लग जाता है कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक डेविल सन है जो कुछ ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स के थ्रू आया है। ये चीज पता लगने के बाद जो हेड नन होती है एंड जितनी भी नंस होती है वो एक फैसला लेती है कि वो उस डेविल सन को सेक्रीफाइस कर देंगे या फिर मार देंगे। बिकॉज ऑफ वो डेविल सन बड़ा होकर या फिर कुछ ही टाइम के बाद उन नंस के लिए और भी लोगों के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता था, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, दैट्स व्हाई उसको मारने का फैसला लिया जाता है। जब ये बात सिस्टर मेडलिन को पता लगती है कि उनके बच्चे को अब मारा जाएगा, इसके बाद सिस्टर मेडलिन बहुत ज्यादा रोती है और वो दूसरी नन से मना करती है कि वो उसके बच्चे को ना मारे, क्योंकि देखो यार वो एक डेविल सन तो था ही लेकिन साथ ही साथ वो सिस्टर मेडलिन का भी बच्चा था एंड वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। डेविल ने भी सिस्टर मेडलिन को अपना बच्चा देते वक्त ये बोला था कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी होता है तो वो सिस्टर मेडलिन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देगा, देखने में बहुत ज्यादा डरावना और अगली बना देगा। इसी वजह से वो दूसरी नन से काफी ज्यादा मना करती है कि वो उसके बच्चे को ना मारे। अब क्योंकि यार वो एक डेविल सन था तो उसको मारना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो किसी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। एंड फाइनली वो दूसरी नंस उस डेविल सन को मार देती है एंड जैसे ही सिस्टर मेडलिन का बच्चा मरता है उसके बाद सिस्टर मेडलिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है बिकॉज ऑफ जो उनका पहला बच्चा था यानी जो उनकी लड़की थी एलिशा नाम की वो भी मर चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने रोड को पाला अपने बच्चे की तरह पूरे 7 साल तक एंड रोड ने भी उनको छोड़ दिया था। देन काफी टाइम के बाद अब सिस्टर मेडलिन की जिंदगी में एक और बच्चा आया तो नंस ने उसको भी मार दिया। और जैसा कि डेविल ने सिस्टर मेडलिन से बोला था कि अगर उसके बच्चे को कुछ भी होता है या फिर वो उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाती हैं तो वो सिस्टर मेडलिन को एक बहुत ही ज्यादा अगली डरावनी दिखने वाली घोस्ट बना देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टर मेडलिन का जो डेविल सन होता है, जो उसका बच्चा होता है, उसको वो नंस मार देती है, सिस्टर मेडलिन उस बच्चे को नहीं बचा पाती है, जिसकी वजह से अब ऐसा ही होता है। सिस्टर मेडलिन अब धीरे धीरे करके अगली बनने लगती है, जो उनके दांत होते हैं वो धीरे धीरे करके टेढ़े होने लगते हैं, कुछ दांत उनके निकल जाते हैं एंड जो उनकी स्किन का कलर होता है वो भी धीरे धीरे करके अजीब होने लगता है। बेसिकली सिस्टर मेडलिन अब स्लोली स्लोली अगली बनती जा रही थी। और इस चीज का रेफरेंस आप आइसक्रीम 7 गेम में देख सकते हो। आइसक्रीम 7 गेम में आपको एक लेटर मिलता है जो नवंबर 21, 1943 का होता है, तो उस लेटर में खुद जो सिस्टर मेडलिन होती है वो बता रही होती है कि कैसे उनके दांत धीरे धीरे करके टेढ़े हो रहे हैं एंड जो उनका स्किन का कलर है वो भी काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। बेसिकली वो बता रही होती है कि वो स्लोली स्लोली अगली बनती जा रही हैं। सो ये चीज आप आइस स्क्रीम 7 में देख सकते हो एक लेटर के अंदर। अब अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं। तो अब सिस्टर मेडलिन धीरे धीरे करके अगली बनती जा रही थी एंड एट द एंड जो सिस्टर मेडलिन होती है वो पूरी तरह से अगली खतरनाक दिखने वाली एक डेंजरस घोस्ट बन जाती है। बेसिकली डेविल सिस्टर मेडलिन को सजा देने के लिए उनको एक डरावनी अगली दिखने वाली घोस्ट में बदल देता है या फिर उनको एक इविल नन बना देता है। तो अब जो सिस्टर मेडलिन है वो एक नॉर्मल नन से डरावनी घोस्ट बन जाती है या फिर इविल नन बन जाती है। इविल नन बनने के बाद सिस्टर मेडलिन वहां पर जितने भी नंस होती हैं उनको मार देती हैं, साथ ही साथ उनमें से जितनी नंस के बच्चे थे सिस्टर मेडलिन या फिर इविल नन उन नंस के बच्चों को भी तड़पा तड़पा कर ऐसे ही मारती है जैसे कि उन नंस ने सिस्टर मेडलिन के बच्चे को मारा था। बाद में इविल नन या फिर सिस्टर मेडलिन सारे ही बच्चों को ऐसे ही मारती है जैसे कि उसके बच्चे को मारा गया था और वहीं से वो बच्चों को मारना स्टार्ट कर देती है। देन कुछ टाइम के बाद सिस्टर मेडलिन को अपने बेटे रोड के बारे में पता लगता है जिसको उन्होंने पाला था। सिस्टर मेडलिन को पता लगता है कि रोड भी उनकी तरह बच्चों को पकड़ता है एंड मारता है जैसे इविल नन बच्चों को पकड़कर मारती है। ये चीज सिस्टर मेडलिन या फिर इविल नन को बहुत ज्यादा पसंद आती है अपने बेटे रोड की। देन वो रोड से मिलने के लिए या फिर उसके काम में उसका साथ देने के लिए बच्चों को मारने के लिए रोड की फैक्ट्री में जाती है और वही सीन आपको आइसक्रीम 7 के लास्ट में दिखाया जाता है। आपको यही सीन दिखाया जाता है आइसक्रीम 7 गेम के लास्ट में कि सिस्टर मेडलिन रोड की फैक्ट्री में आ चुकी है उससे मिलने के लिए या फिर अपने बेटे से मिलने के लिए। एंड आई होप सो कि आपको उस इविल नन के कटसीन का भी सीक्रेट पता लग चुका होगा। अब आगे क्या होगा वो तो हमको आइसक्रीम पार्ट 8 में ही पता लगेगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको आइसक्रीम 8 में एक एनिमी की जगह 2 एनिमी से सामना करना पड़ेगा। मतलब अब आपको रोड के साथ साथ इविल नन से भी बचना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। और आइसक्रीम का जो आने वाला 8 पार्ट है वो उसका लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी या फिर ये गेम फिनिश हो जाएगा पूरी तरह से। एंड देखो यार मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आइसक्रीम के 8 पार्ट में आप रोड एंड इविल नन इन दोनों ही एनिमी को हमेशा हमेशा के लिए मार दो। ये तो खाली मेरी जस्ट प्रिडिक्शन है, वो तो गेम आने के बाद ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तब तक के लिए यही थी आइसक्रीम 7 की थ्योरी वाली वीडियो। आई होप सो कि आपको काफी सारी बातें पता लगी होंगी आइसक्रीम 7 के बारे में। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो
कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।